मित्र नमस्कार। ये एक ब्रदर ने भेजा है वीडियो और पूछा है कि इसमें फल लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने चाहा आप सभी को शेयर कर लूं। ये जो कलियां दिख रही है, ये इतना बड़ा जो कली आता है, ये देखिए, ये यहाँ से फिर यहाँ पर गुच्छा बना है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर गुच्छा बना है। यह नर फल की कलियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी कलियाँ हैं। और पपीता में, यह पपीता का पौधा है, पपीता में नर जो रहता है पौधा, वह फ्लावरिंग तो देता है पराग छोड़ने के लिए, लेकिन वह फ्रूट सेट नहीं करता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है कि आदमी बच्चे नहीं देता है, इसी तरीके से पपीता में भी नर पौधा फल सेट नहीं करता है। इसी कारण से यह आपका जो प्लांट है, यह केवल फ्लावरिंग आ रही है लेकिन एक भी फल नहीं है और न आएगा आगे। यह देखने का है आप सभी किसानों को कि नर की फ्लावरिंग कैसे आती है। उसके ही बनिस्पत में आपको बतलाऊं कि मादा कैसे होती है। तो यहाँ देखेंगे तो यह मादा का फूल है, एकदम पौधे से लगा हुआ है चिपक के। ये एक आधा इंच की डंडी नहीं है और यहीं पर फूल आ गया। ये मादा का फूल है पपाया में, हर पत्ते के ऊपर आता है, वैसे ही नर में भी हर पत्ते के ऊपर आता है। ये छोटी सी कली है और यहीं पर गुच्छे बन जाते हैं। इस मादा पौधे में फल सेट होगा। और जो मैंने बतलाया था कि आप मार्केट में जाइए, जो अच्छी पपीता लगी है मिल रही है उसे लाकर खाइए, और जो मीठी और टेस्टी पपीता है उसके बीज सुखा करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं, एक एक जगह पर पाँच पाँच छः छः, उसमें से कोई नर निकलेगा कोई मादा निकलेगा। तो 3 महीने बाद जब फ्लावरिंग चालू होगी तो उसकी हाइट लगभग 1.5-1.5 फीट की होगी 3 महीने में। उसमें आपको सिलेक्शन करना है कि कौन से पौधे में इस तरीके का फल है, फ्लावर है। यह सिलेक्शन करने का एकदम सही तरीका है। ये जो मादा है इसमें इस तरीके से फ्लावर आता है पपाया में। तो यहाँ पर फ्रूट सेट होगा 100 समझ लीजिए। जो घर पर बीज लगा रहे हैं खेत में और उन्होंने जो पपाया लगाया है उसमें अगर नर पौधा है तो उसमें कोई भी फ्रूट सेट नहीं होगा। ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये नर फल है जिसमें ब्रांच लंबी आएगी और फिर फ्लावर आएगा, और मादा में एकदम वहीं के वहीं आ जाएगा। ये इतना 8 से 10 इंच लंबा है, फिर उसके बाद फ्लावर है, इसमें फल नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारे खेतों में है तो अच्छी बात है, उसे रखना चाहिए ताकि पराग वितरण होता रहे, और मादा में ही फल सेट होगा। ठीक है, छोटी छोटी जानकारियाँ आ जाती है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। मैं बलराम किशान बड़वानी मध्य प्रदेश से किसान पाठशाला का बैनर लेके पूरे देश में पूरे विश्व में घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग साथ में रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आइए कुछ एग्रीकल्चर में धमाल करते हैं, सही चीज़ सिंप्लीफाई तरीके से करते हैं। आया समझ में? सही चीज़ सिंप्लीफाई तरीके से करते हैं, किताबी ज्ञान से करने जाएंगे तो गड़बड़ होगी, कुछ नहीं होगा। उदाहरण बताऊं किताबी ज्ञान का आप सभी किसानों को। किताबी ज्ञान से आशय है मेरा, अगर एग्रीकल्चर में किताबी ज्ञान पे जाएं, मैं केले की बात करूं तो 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 60% की नमी चाहिए तो आपका केला सर्वाइव करेगा। ये पूरे भारत में है ही नहीं कहीं, केवल दक्षिण भारत में है, लेकिन केला पूरे भारत में 29 राज्यों में हो रहा है केला। वैसे ही पपीता का है, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 12 डिग्री के अंदर नहीं चाहिए, 40 के ऊपर नहीं चाहिए, 25% ह्यूमिडिटी चाहिए हवा में, लेकिन पूरे 29 राज्यों में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है पपीता। ये थोड़े थोड़े से द्वंद है, कहीं कहीं एरर है। किताबी ज्ञान पे जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि बेस्ट क्या है, हाँ उसमें वो बेस्ट सर्वाइव करेंगे उस कंडीशन में, लेकिन हम किस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जियोग्राफिकल जोन क्या है, उसके हिसाब से हमें हमारी फील्ड की तैयारी करना है, उसको प्रोटेक्ट करके उस वातावरण में लाने की कोशिश करके फार्मिंग करना है। फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड से ये कतई संभव नहीं है, होगा भी नहीं, और उसके पीछे भागना इसी वीडियो को देखते के साथ बंद कर दो।
वरना पैसे खर्च होना रहेंगे और उत्पादन में कमी रहेगी। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजिए ताकि पता चले कि नर पौधा कौन सा है, मादा पौधा कौन सा है पपीता में और कौन फल देगा। अच्छी बाइट्स लगे तो ही भेजिएगा। मुझे पता है जो वीडियो लास्ट तक देख रहा है ना वो लाइक भी करता है और शेयर भी करता है। मुझे गर्व है आप लोगों पर जो किसान की मदद करने के लिए आप निकले हो। थैंक यू ब्रदर।